इसमें मुझे क्या कहना है जी, आप जानते हैं कि इस पर निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किनसे दूरी है, मेरी किनसे दूरी है जरा बताइए। दूरियां ना होती तो इस सत्य। अरे यार, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना तो हमारे यार नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है जी? कौन बता दिया आप जा रहे हैं सर, कब नॉमिनेशन? अरे नॉमिनेशन 24 से 31 तक है जी। लाइट बंद कर, अभी तो बहुत दिन है, आज कैबिनेट मीटिंग है, जा रहे हैं। पटना तो आप हमेशा जानते हुए मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल जाएंगे, शाम में जाएंगे पटना बिल्कुल। मतलब आपको एक और मौका मिलेगा केंद्र में अपनी सेवा देने का? अब ये तो देखो, हम फोरकास्ट तो बाबू जानते नहीं जी। हमारा काम है जिस पद पर जिस समय तो उसको काम करना। आप नीतीश जी से मिलेंगे अगर जा रहे हैं पटना? अच्छा ये बताइए, आप लोग ये सवाल कहाँ से लाते हैं कि नीतीश जी से मिलेंगे, नीतीश जी से दूरी है, नीतीश जी से मजबूरी? अरे भाई देखिए, नहीं बिना बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। सर सर एक सवाल है कि आपका बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन अब तक आप इतने करीबी रहे, तब तक आपके नाम पर कोई फाइनल बातें नहीं हो पा रही है? अरे तो भाई देखो, चर्चा, अरे देखिए देखिए, चर्चा तो लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है जी, लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं। मंत्री जी एक सवाल ये है कि क्या आप भले जो खबर आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में बहुत नजदीकी है और आपका बीजेपी से बहुत नजदीक? अच्छा सुनिए सुनिए, बड़ी बात बोला जी, बताइए। मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार ये स्पष्ट किया है कि भाई 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए आप जानते हैं चार पार्टियां हमारी, बीजेपी, जेडीयू, आदरणीय मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, ये लोग मिलकर करके बहुमत में सरकार बनी। तो भाई 2025 तक तो जनता ने वोट दिया एनडीए को, ये बीच में लोग कयास कहाँ से लगाते रहते हैं, और जो कयास लगाते हैं ना वो सिर्फ जो तिरंगे उड़ाते हैं। आपकी अच्छा अच्छा बराबर अच्छा 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 सुनिए सुनिए अच्छा एक एक बात देखिए, मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मेरी बीजेपी से नजदीकी आज की है जी। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ, केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी, उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही, तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। तो आप बताइए, बरसों से हैं तो पहले नजदीकी नहीं दिखती थी और आजकल नजदीकी दिख रही है? लेकिन अगर जेडीयू आपको नहीं भेजती है तो क्या बीजेपी में आप शामिल होंगे? अच्छा सुनो यार, क्या बोला मैंने, आप लोग दिन भर कयास लगाते रहते, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो ये होगा, आप स्थिर से रहिए। आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं सर? सर एक आखिरी सवाल, अच्छा ये बताओ, आपके ट्विटर अकाउंट से हाँ हाँ बड़ा बढ़िया सवाल किया, कल भी आप खूब चलाएं भरपेट, वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ के जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब एक्रोम हो कि सर, अब उसमें क्या था उस इस्पाती इरादा? अरे तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। नॉमिनेशन के लिए कब जाएंगे आप फाइल करने के लिए? अच्छा अच्छा पटना तो जेबे करेंगे, तो कहले चिंता करते हो? तो मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय? अच्छा फिर आप लोग जो है आप अच्छा तू ही बता दो, आप तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले जो नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 ना, तो खाली परेशान हो अभी है सर, कैसे करेंगे सर हम नामांकन? जेडीयू पार्टी से, जेडीयू पार्टी से। अरे 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 यार, मैं किस पार्टी में हूँ सर? आप केंद्र में? अच्छा मैं किस पार्टी में? जेडीयू में। आप तो फिर सर, आप केंद्र में मंत्री बन गए, और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय जे इस बात से इनकार किया था, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है जो अटकलें लगाई जा रही है अपनी पार्टी के नेता को ये पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए, ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है, और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से सहमत लिया था,
और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज़ को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ, अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आके बन जाए यहाँ। सर एक और सवाल है, आप कितना सवाल पूछोगे? आप कितना सवाल पूछोगे? अरे कैबिनेट है, हो गया बाबू, चल आओ, चल लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।